और रूपा जी बोलते हैं कि हाँ क्षत्रिय कुत्ते हैं, वॉच डॉग्स हैं, रखवाले हैं समाज के, पर उनको कुत्ते कहना जो है ये बहुत अज्ञानता का सूचक है। यहाँ देख सकते हैं कि ये दो उदाहरण दिए, दो जानवरों के साथ तुलना किया गया, और यहाँ बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं? स्वामिनी अगम्य दासानाम, दास जो है स्वामी के प्रति अपराध करे तो ये कितना गलत है। तो हम स्वामी हैं और वो दास है, तो ये उनका मनोभाव का जो मूल गलती यहां समझना है कि स्वामी के प्रति दास जो है अपराध कर रहे हैं। मानकर स्वामी हम स्वामी हैं और दास हैं, बल्कि भक्ति के मार्ग में हमको क्या सिखाया जाता है? आप प्रभु हो और मैं दास, क्या सिखाया जाता है? दूसरों को हम क्या बोलते हैं? प्रभु, और खुद को दास। ये तो बेसिक कल्चर है, आप प्रभु हैं हम दास। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम प्रभु हैं और वो दास है। इसलिए मूल कारण है ये, मतलब ये पूरा समस्या का। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ब्राह्मणों का जब पतन हुआ है इस तरह से संगी के माध्यम से, तो फिर ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण का पतन होने के बाद फिर बाकी पूरा समाज का भी पतन होने लगा। जब किसी व्यक्ति का सर खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो जो कुछ करता है सब कुछ गड़बड़ी रहता है ना। तो इसी प्रकार से जब ब्राह्मण समाज के सर हैं, दिशा देने वाले, अगर वही खराब हो जाते हैं तो फिर बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब धीरे धीरे पतन सब कम। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे इन सब का पतन हुआ है एक 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 के बाद। सबसे पहले ब्राह्मणों का पतन हुआ, ब्राह्मणों का पतन होके फिर क्या हुआ, क्या बन गए ब्राह्मण? ब्राह्मण बन गए नास्तिक या मायावादी। ब्राह्मण क्या बन गए? नास्तिक या मायावादी। कई सारे इनफैक्ट जितने नास्तिक हैं वो ब्राह्मण ही, ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी ब्राह्मण नास्तिक, लेकिन बहुत सारे नास्तिक जो है, नास्तिक तत्व बताने वाले ब्राह्मण, जैसे चार्वाक ऋषि, तो वो तो पुराने जमाने के, लेकिन आजकल भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो नास्तिकवाद फैलाते हैं, या नहीं तो मायावाद। जो स्मार्ट ब्राह्मण है ना, वो मायावाद को फैलाते हैं कि जीव भगवान सब समान है, आप भी भगवान हो मैं भी भगवान हूँ, हर चीज एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत में है। जो मायावादी फिलोसफी जो है, हम सब भगवान हैं, और असल जो रियल में भगवान है वो भगवान नहीं है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक है, वो भी मर गए, कृष्ण और राम वो भी मर गए, उनने भी पाप किया, वो भी साधारण बन गए, और हम तो क्या, ब्रह्म है भगवान, यानी भगवान को छोटा करना और खुद को भगवान बनाना। ये जो मायावादी फिलॉसफी है ये कौन फैला रहे? स्मार्ट ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण नास्तिक और मायावादी बन गए तो उसके बाद क्षत्रिय तो उनको फॉलो करना छोड़ दिया। जब ब्राह्मण बहुत घमंडी हो जाता है, ब्राह्मण का लक्षण क्या होना चाहिए? नम्रता। लेकिन नम्र हुए बिना वो जब घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ मुझे सम्मान दो, तो फिर क्षत्रिय क्या करते हैं? बोलते नहीं, हम आपको क्यों सम्मान करें। क्षत्रिय इंडिपेंडेंट हो गए और ब्राह्मणों को एक्सेप्ट करना छोड़ दिए।
तब क्या बन गए वो सब क्षत्रिय? बौद्ध बन गए, या तो वो डिक्टेटर बन गए, डिक्टेटर यानी तानाशाह, एक बार आक्रांता, क्या होता है आक्रांता, टेरेंट, जो बहुत क्रूर शासक जो होता है, डिक्टेटर, वैसा बन गए, नहीं तो बौद्ध बन गए, क्योंकि ब्राह्मणों को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी वेदों को सिखाने वाले तो ब्राह्मण है, वो उनका एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो गया, कोई और धर्म का पालन करना पड़ेगा, फिर वो बौद्ध धर्म को पालन करने लगे। राजा अशोक बहुत फेमस थे, वो बौद्ध बन गए, उसके बाद पूरे इंडिया को उन्होंने बौद्ध बना दिया। और उसके बाद जब क्षत्रिय जब बौद्ध बन गए, और क्षत्रिय जब डिक्टेटर बन गए, तो जो वैश्य हैं वो बोले कि हम आपको क्यों, हम क्यों फॉलो करेंगे। क्षत्रिय भी जब आक्रांता बन गए तब उनका अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया वैश्य, तो उन्होंने क्या बोला, बोले हम बस आर्थिक उन्नति का ही देखेंगे, यानी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, जो जितना कमाए उसका हुआ, जैसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में कैपिटलिज्म चलता है। कैपिटलिज्म का मतलब जिसको जितना, आप जितना पैसा कमा सकते हो उतना कमाओ, टैक्स भी भरना पड़ता है लेकिन टैक्सेस इतना ज़्यादा नहीं रहता, और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, और जो अमीर है और अमीर होता जाएगा, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। और वो धर्म कौन सा अपनाए, जैन धर्म, जो वैश्य है वो जैन बन गए, जो क्षत्रिय बौद्ध बन गए, ब्राह्मण मायावादी बन गए, क्षत्रिय क्या वो बन गए बौद्ध बन गए, और वैश्य जैन बन गए, नास्तिक को भी। और उसके बाद शूद्र क्या बन गए, शूद्र हो गए कम्युनिस्ट, सब समान। क्या बोलते कम्युनिज्म रहता है ना कि ऑफिसर हो या लेबर हो सब समान, सब कोई की तनख्वाह मिले, सब एक जैसा। और ईर्ष्या यानी तुम क्यों कार में घूम रहे हो, हम क्यों पैदल जाएंगे, तुम भी पैदल जाओ या फिर हमको भी कार दो, ऐसा समान, कोई भी बड़ा नहीं हो सकता हमसे। तो ऐसा ये जो ईर्ष्या के कारण वो कम्युनिस्ट बन गए, और वो भी प्रकार के नास्तिकवाद आजकल चल रहा है ना, जय भीम, जय भीम वाला चल रहा है, वो पूरा वैदिक समाज को ही निंदा करते हैं और बोलते हैं हम भी बौद्ध हैं, बुद्ध को कोई फॉलो तो नहीं करते, ऐसा नाम के लिए बौद्ध है। तो ये कम्युनिस्ट, तो इस प्रकार से चारों वर्ण का पतन हो गया। राधे राधे गोविंद।